आज आपका स्वागत है इस YouTube पर। मैं प्रोफेसर सैया हूँ और मैं आपको ये बताऊँगा कि कभी कभी गाय में बच्चा फंस जाता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये बच्चा है, इसने गाय में से बाहर निकल रहा है, ये फंस गया क्योंकि इसका एक पैर जो है वो पीछे है, अब ये नहीं निकलेगा। अब अगर इसमें हाथ डाल के कोई सीधा कर देगा, इसने जीभ निकाल ली ना, अब ये नाल से जब तक जुड़ा रहेगा तब तक इसको ऑक्सीजन ब्लड से मिल रही है। जैसे इसका नाल टूट जाएगा और अगर ये सांस नहीं ले पाएगा तो ये मर जाएगा। इसलिए इसको आप डॉक्टर को गाय ब्याने से पहले ही बता दीजिए कि भैया तैयार है ना, भाई गाय ब्याने वाली है। अगर आपको दिक्कत होती है, अगर उसका कोई अंग बाहर आता है और वो बच्चा बाहर, तो आपको भी मतलब ये पता चल जाएगा कि धीरे धीरे के बच्चे कैसे पैदा होते हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इसकी बच्चे की बहुत सी अवस्थाएँ होती हैं। ज़्यादातर तो ये बच्चा जो है वो इस तरह से रहता है, इसके पैर जो है निकल आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर कभी कभी ये जो है उल्टा हो जाता है, ये उल्टा रखा हुआ है, ये बच्चा उल्टा रखा हुआ है, इसमें तो आप मतलब क्या करेंगे। ये देखिए दूसरी तरह से इसकी गर्दन मुड़ गई, तो उसमें डॉक्टर जो है वो सीधा करके मतलब वो उसको निकाल देता है, मतलब ज़्यादातर वो निकाल देता है। कभी दो बच्चे हो गए, दिक्कत होती है, मर गया, फूल गया, तो ये देखिए डिफरेंट विभिन्न अवस्थाएँ, ये तो नॉर्मल पोजीशन है। अब ये देखिए उल्टा होगा, आदमी में भी कहते हैं तो उल्टा पैदा हुआ है ऐसा भी। ये जो है, ये इसके पैर जो हैं सीधे नहीं है पीछे, ये इस तरह से हो गया, इसका सिर नीचे नहीं, ये उल्टा हो गया है इसमें, तो ये गर्दन मुड़ गई इसकी, ये गर्दन मुड़ गई, ये सब गर्दन मुड़ गई। तो इस तरह से आप इसको हाथ डाल के जो गाँव में तजुर्बेकार लोग होते हैं वो उसको मतलब ठीक कर देते हैं। ये एक उल्टा है, जब बच्चा उल्टा होता है ना तब उसे ऊपर की तरफ निकालना होता है, जब बच्चा सीधा होता है तब उसे नीचे की तरफ निकालना होता है। तो इसको अगर आप नहीं निकालेंगे जल्दी तो फिर वो बच्चा मर जाएगा, मर जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। बच्चे के बारे में बता रहा था, धन्यवाद, आपने देखा, आशा है ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये सबसे खुशी का मौका होता है, पर इसमें अगर बच्चा फंस जाए तो फिर कभी कभी फंस जाता है 8-10%, तो उसमें दिक्कत है। पर बात यह है कि अब वैसा बीज आ गया है बच्चिया पैदा करने वाला, तो अगर बच्चिया पैदा हो रही है तो बच्चिया छोटी होती है, वो आसानी से निकल जाती है। अगर गाय पहली बार भी आ रही है और उसमें आपने बछड़ा पैदा हो गया, मान लीजिए आपने जर्सी में होलस्टीन का बीज डाल दिया, तो उसका बच्चा बड़ा होगा वो फंसेगा, उसको फिर हाथ खींच के निकालना पड़ता है। ठीक है।